हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक एंड नॉट स्टडी। सो आज मैं आपको कट ऑफ बताने वाला हूँ, ठीक है। कट ऑफ बताने वाला हूँ 2016 का एमपी जो सब इंजीनियर एग्ज़ाम हुआ था 2016 में, उसका मैं कट ऑफ बताने वाला हूँ। डिपार्टमेंट वाइज कट ऑफ गया था, ओके। सो मैं ये देखिए, आप ये डिपार्ट जो जल संसाधन है, जल संसाधन विभाग है, यानी कि जल संसाधन भवन, ये इसमें जो सब इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की थी, तो उसका जो डिपार्टमेंट वाइज कट ऑफ बता रहा हूँ, उसमें जो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का जो कट ऑफ गया था वो देख सकते हैं आप। ये ओपन ओ और ये एफ आ रहा है, ओ आ रहा है, तो क्या है ओ? मतलब ओपन, एफ मीन्स फीमेल, तो यू आर का यानी कि जो जनरल का ओपन में गया था 139 और 111, एंड फीमेल के गया था 151, ओके। ये एंड यूआर का टोटल सीट अपना 164 इतना, और एससी का गया था 145, एसटी का गया था 134, एसटी का गया था 143, और ओबीसी का 148, ओबीसी 161। तो ये अपने जो कट ऑफ है वो डिपार्टमेंट वाइज है, इस डिपार्टमेंट में इतना गया था। ये टोटल सीट हैं बता रहे हैं, इसमें इतना इतना, ओके, एलोटेड सीट ये है, और ओपन और फीमेल दिया है। ओपन में कह सकते हैं जेंट्स वगैरह आया, ठीक है, एंड फीमेल का, तो इतना सारा जो कट ऑफ गया था। अब आते हैं कि हम सिविल इंजीनियर में ये डिपार्टमेंट है एमपी गृह निर्माण, इसमें जो निर्माण, इसमें क्या है सब इंजीनियर में सिविल इंजीनियर का जो वैकेंसी वो कट ऑफ गया था वो देख सकते हैं। इसमें देखो, यूआर का जो फीमेल है उसमें गया था, उसका 130 मिनिमम फीमेल इस डिपार्टमेंट में फीमेल का। ओपन का जो गया था वो यूआर का 149, और एससी का गया था 137, एससी का, और एसटी का गया था जो फीमेल का बता रहा हूँ वो है 101, और एसटी का ओपन गया था वो 116, 5 नंबर ज़्यादा। ओबीसी का फीमेल और ओबीसी का ओपन यानी कि मेल कह सकते हैं, तो ओबीसी फीमेल गया था 148 और मेल गया था 146। फीमेल का आई थिंक, हाँ, फीमेल का ज़्यादा गया था 148 और मेल का कम 146। ये इस डिपार्टमेंट हम इलेक्ट्रिकल का देख सकते हैं, डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल का, तो इलेक्ट्रिकल का देख सकते हैं यू आर और एससी एसटी, यानी कि इसमें एससी की वैकेंसी नहीं थी इस डिपार्टमेंट में। तो यू आर की जो मेल का गया था 147, यू आर का ओपन गया था वो 157, एसटी का ओपन गया था 426, ओबीसी का ओपन गया था 156। अब आते हैं कि ये डिपार्टमेंट में, तो संचालनायक यानी कि संचालनायक जो डिपार्टमेंट है उसमें जो सब इंजीनियर डिपार्टमेंट में अब कितना गया था कट ऑफ, तो उसमें आप देख सकते हैं जी, ठीक है, वो 109, 129, 91। ये जो एक्स सर्विस मैन है उनके गया था जो, ठीक है, ऐसा नहीं कि नॉर्मली 91 गया था एक्स सर्विस मैन का। यू आर एक्स फीमेल का गया था 123, यू आर एक्स जो ओपन का मेल का गया था 142 गया था, एसटी एससी का देख सकते हैं फीमेल का वो 116, एससी का ओपन का गया था 125 में भी सेलेक्ट हो सकते हैं, ओके। तो इस बार तो ऑब्वियसली कट ऑफ ज़्यादा जाना है, तो ना हो ये सारे जो डिपार्टमेंट मैं और भी बताता हूँ उसमें, ये डिपार्टमेंट में तो आप इस डिपार्टमेंट की भी देख सकते हैं। एसटी का जो ओपन में गया था वो 108 गया था, ओबीसी का ओपन गया था 109 इस डिपार्टमेंट में, ओके। एंड कट ऑफ आप देख सकते हैं, साफ टोटल लिखा है क्लियरली। सो नाउ, और जो ओबीसी का जो फीमेल गया था 125, ओबीसी का मेल गया था 139, तो ये 139 सही है, ठीक है। एक्स जो आता है वो वर्ग में आता है, जैसे कि हम जैसे लोग यानी कि अपन कह सकते हैं स्टूडेंट्स होते हैं, और जो ओ एच जे, ठीक है, ई एच वी एच अपना कह सकते हैं जो हैंडीकेप वगैरह होते हैं, ठीक है, और कह सकते हैं जो एक्स सर्विसमैन होते हैं उनके लिए जो कट ऑफ कम जाता है, तो वही कट ऑफ है। नेक्स्ट इस डिपार्टमेंट में देख सकते हैं मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण, यानी कि ये हिंदी जो हिंदी का इंग्लिश में लिखा है ये है हिंदी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो इस डिपार्टमेंट में सिविल इंजीनियर का कितना गया था, यू आर का फीमेल गया था 161, यू आर ओपन गया था 148, यानी कि फीमेल का ज़्यादा गया था कंपेयर टू
मेल एससी का और एसटी का ओपन गया था वो 133 118 यानी 118 इस डिपार्टमेंट में देख सकते हैं, यानी कि ये सारे डिपार्टमेंट वाइज जो कट ऑफ गए थे। ओके तो वो आप देख सकते हैं इसमें ड्रॉपमेंट डायरेक्टरी सब इंजीनियर बैकलॉग की हैं वैकेंसी इस संविदा वर्ग की। देखो संविदा वर्ग संविदा के लिए आप देख सकते हैं इतना जो कट ऑफ गया था उसमें वेयर हाउसिंग के लिए, वेयर हाउसिंग डिपार्टमेंट है उनके लिए। तो ये सारे जो नौ डिपार्टमेंट है इसके अकॉर्डिंग सारा जो कट ऑफ आप खुद देख सकते हैं इसमें, मैंने बता दिया है और आप खुद इजीली देख सकते हैं इसमें कितना कट ऑफ गया था। ठीक है 2016 में ये सारा जो कट ऑफ है आप और भी देख सकते हैं आराम से। तो सारा जो कट ऑफ था वो अपना 2016 का था। तो ये है कि हर साल आपके मतलब कट ऑफ बढ़ना है, नहीं 5-6 नंबर तो बढ़ना ही है। फिर ये अकॉर्डिंग होता है कि टफ पेपर आया, टफ पेपर आया तो ऑब्वियसली वो ऐसा नहीं कि बढ़ेगा, वो कम भी हो सकता है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि हमेशा बढ़ता है। ठीक है आपने देखा होगा एसएससी जेई का जो एग्ज़ाम हुआ था एसएससी जेई का वो 2016 में जो कट ऑफ गया था आई थिंक 2016 2017 2016 तो जो 2015 तो एस जो 2015 में तो गया था एससी का 88 मुझे अभी यही याद है अभी, और 2016 में जो गया था वो 82 गया था आई थिंक, 17 में गया था 101। तो बढ़ता कम ऐसा है वो अकॉर्डिंग टू उसके अकॉर्डिंग रहता है कि जो पेपर टप होता है इजी होता है उसके अकॉर्डिंग होता है। और जनरल का गया था तो जनरल का याद है कि अभी जो गया 110 गया है 2016 में, ठीक है 111 उससे पहले गया था 98 ऐसे, और उससे पहले गया था कुछ ज़्यादा गया था 105। तो ऐसे जो ऊपर नीचे होता रहता है वो तो पेपर के अकॉर्डिंग होता है। सही में मुझे बताना था जो मैं बता चुका हूँ,